दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे फ्रेडी वर्सेस जेसन को। इस मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इस मूवी के बारे में कुछ रोचक तथ्य बता देता हूं और मैं आपको इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊंगा, जिसके कारण ये मूवी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। ये मूवी रिलीज की गई थी सन 2003 में और इस मूवी को बनाने में लमसम 20 साल का समय लग गया था, जिसका रीजन था एक अच्छी स्क्रिप्ट। फिल्म मेकर इस फिल्म को लेकर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसी वजह से इस मूवी को बनाने में 20 साल लग गए। ये फिल्म इन दोनों ही कैरेक्टर की आखिरी फिल्म है, इसीलिए फिल्म मेकर दोनों ही कैरेक्टर के साथ न्याय करना चाहते थे और ये फिल्म ऐसा करने में कामयाब भी रही। हम इस मूवी को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे जैसे कि इस मूवी के इससे पहले कोई पार्ट नहीं आए, जिससे आपको ये मूवी समझने में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं फ्रेडी को, जो बताता है कि बच्चों से उसको ताकत मिलती थी और बताता है कि किस तरह से वो बच्चों को मारा करता था। उसके आतंक के चर्चे दूर दूर तक थे और कहता है कि फिर स्प्रिंगवुड के माँ बाप मेरे खिलाफ खड़े हुए, उन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया और मुझे जलाकर मार दिया। जब उन्होंने मुझे मार डाला, मेरी मौत के बाद मैं और बदतर हो गया और अब मैं बच्चों की नींद में आकर उन्हें मार डालता था। मुझको उनके डर से ताकत मिलती थी। इसके बाद स्प्रिंगवुड के लोगों ने मुझसे छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढ निकाला। मुझसे जुड़ी हुई जितनी भी यादें थी सभी को मिटा दिया। अब सभी लोग उसे भूल गए हैं। अगर कोई उसको याद नहीं करेगा तो वो वापस नहीं आ सकता। वापस आने के लिए उसे लोगों का डर चाहिए और अपने इस डर को फैलाने के लिए उसने पूरे नरक को छान डाला और उसे कोई ऐसा मिला जो उसका ये काम कर सकता था। उसका नाम था जेसन। फ्रेडी नरक में आराम कर रहे जेसन के पास जाता है उसके मोम के भेष में और उसे जागने के लिए कहता है कि तुम्हें स्प्रिंगवुड के लोगों को जाकर मारना है। सभी लोग अब तुमको भूलने लगे हैं। अब क्योंकि जेसन अपनी मोम की कोई बात नहीं टालता था, इसीलिए वो जाग जाता है और अपने रास्ते पर निकल जाता है। दूसरी तरफ हम लोरी को देखते हैं, जो कि एल्म स्ट्रीट में अपने पिता के साथ रहती है। उसके पिता किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए थे, इसीलिए उसकी फ्रेंड किया और गिब मौज मस्ती करने के लिए उसके घर आई हुई थी। ये दोनों बिना बताए दो लड़कों को यहाँ बुला लेती है, जो कि इन दोनों के दोस्त हैं। इन दोनों में से एक लड़के को उन्होंने इसलिए बुलाया था कि वो लोरी के साथ घुल मिल सके, क्योंकि लोरी को अकेला रहना ही पसंद था और वो किसी अपने बचपन के दोस्त विल से प्यार करती थी, जिसका कोई अता पता नहीं है। उसे लगता था कि वो धरती से गायब हो गया है। इधर हम देखते हैं एक लड़का फ्रिज से बियर लेने के लिए जाता है और वो देखता है कि घर का मेन डोर खुला हुआ है। दूसरी तरफ हम उस लड़के को देखते हैं जो लोरी के साथ अपनी छोटी नूनू से खेल रहा है। इन दोनों का खेल जल्द ही पूरा हो जाता है, क्योंकि इस लड़के की बंदूक में इतनी गोलियां नहीं थी कि वो लगातार फायर कर सके। इसकी फायरिंग खत्म होने के बाद लोरी बाथरूम में शावर लेने के लिए चली जाती है और तभी यहाँ पर जेसन आ जाता है। वो उसके शरीर में इतने छेद करता है जितने छेद छालनी में भी नहीं होते, जिसके कारण उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इधर लोरी जो शावर ले रही थी उसको कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो अपने दरवाजे के पास जाती है जहाँ पर बहुत सारा खून है। वो दरवाजा खोलती है और चिल्लाने लगती है और अब ये सभी लोग डर कर अपने घर से बाहर आ जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। किस्मत से डेप्यूटी स्कॉट वहाँ से गुजर रहे थे। इसके बाद पुलिस वाले वहाँ पहुँच जाते हैं। डेड बॉडी देखने के बाद एक ऑफिसर शेरिफ विलियम से कहता है ये फ्रेडी का काम लगता है। शेरिफ गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि उस कमीने का नाम भी मत लो और कहते हैं कि पहले हमें खुद पर काबू रखना होगा, हम इस बात को शहर भर में फैलने नहीं दे सकते। लेकिन दूर खड़ी लोरी ये सारी बातें सुन लेती है और ये शुरुआत थी कि फ्रेडी को अब लोग जानने लगे थे। इसके बाद इन सभी बच्चों को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और उन सब से अलग अलग पूछताछ की जाती है। शेरिफ विलियम की हालत खराब लग रही थी। इस डिपार्टमेंट में सभी लोगों को फ्रेडी के बारे में मालूम था, पर वो सभी चुप थे ताकि ये बात फैल ना जाए। लेकिन डेप्यूटी स्कॉट की नई पोस्टिंग थी, इसीलिए उनको स्प्रिंगवुड के इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता था। इधर लोरी पुलिस वालों के बर्ताव से परेशान हो चुकी थी। वो टेबल पर अपना हेड डाउन कर लेती है और वो नाम सोचने की कोशिश करती है जो पुलिस वाले ले रहे थे। उसको वो
नाम याद आ जाता है जो कि था फ्रेडी, और उसकी आंख लग जाती है। सपने में उसको बिना आंख वाली बच्ची दिखाई देती है। वो कहती है उसका नाम फ्रेडी है और उसे बच्चे बहुत पसंद है, खासकर नन्ही लड़कियाँ। फ्रेडी वापस आ गया है और तभी उसके सामने फ्रेडी प्रकट हो जाता है। वो डर जाती है और उसकी आंख खुल जाती है। ये देखकर उसको बहुत शांति मिलती है कि वो सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि उसके सपने अभी और भी बदतर होने वाले हैं। दूसरी तरफ हम ब्लैक को देखते हैं जो कि ड्रिंक करता करता सो जाता है। फिर फ्रेडी भी उसके सपने में पहुंच जाता है और उस पर हमला करता है, लेकिन इस वक्त तक वो इतना ताकतवर नहीं हुआ था कि वो किसी को नुकसान पहुंचा सके। वो इंतजार करता है। उसे पता है कि इंतजार का फल मीठा होता है, क्योंकि उधर जेसन उसके नाम की दहशत फैला रहा था। ब्लैक डरकर उठ जाता है और देखता है कि उसके पिता उसके बगल में बैठे हुए हैं, लेकिन वो बिल्कुल शांत है और चुपचाप बैठे हैं। ब्लैक जैसे ही उनको छूता है, उसके पिता का सर उसकी गोद में आकर गिरता है। अभी ब्लैक इस मामले को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि यहाँ पर जेसन आ जाता है और उसे भी मार डालता है। इधर हम देखते हैं वेस्टर्न हिल्स साइकाइट्रिस्ट हॉस्पिटल। यहाँ विल टीवी पर चल रही एक न्यूज को देखता है जिसमें लोरी के घर पर हुए कत्ल की न्यूज चल रही थी। विल वही लड़का है जो स्प्रिंगवुड से गायब हो गया था, जिसको लोरी अपने सच्चे दिल से प्यार करती है। ये खबर सुनकर वो विचलित हो जाता है, क्योंकि उसने लोरी के डैड को उसकी माँ का कत्ल करते हुए देख लिया था। उसको लगता था कि कहीं उसके पिता ने लोरी को तो नहीं मार दिया, और ये बात वो अपने दोस्त मार्क को बताता है। इसके बाद ये लोग सोने चले जाते हैं। मार्क विल को परेशान देखकर उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। वो वार्डन के ऑफिस के बाहर जाकर उल जलूल हरकतें करने लगता है। वार्डन को लगता है कि इसे दौरे पड़ रहे हैं, जिसके बाद वो उसकी अच्छे से धुलाई करके उसके कमरे में छोड़ आते हैं। विल उससे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो विल को चाबियां दिखाता है जो कि उसने वार्डन के पास से चुराई है। अब ये इस पागल खाने से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोरी को देखते हैं जो ना सोने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जब भी वो सोती है उसके सपने में फ्रेडी आता है। अपनी नींद से छुटकारा पाने के लिए वो स्कूल जाना ज्यादा बेहतर समझती है, और अपने पिता के मना करने के बावजूद वो स्कूल चली जाती है। अब इधर एक ऑफिसर आते हैं। वो बताते हैं कि विलियम और मार्क पागल खाने से भाग गए हैं। इधर लोरी स्कूल पहुंचती है और उसे पता चलता है कि ब्लैक भी मारा गया, और पुलिस सारा इल्जाम ब्लैक पर ही डाल रही है। वो कहते हैं कि ये सारा का राधरा ब्लैक का ही है। उसने पहले अपने दोस्त को मारा और फिर अपने पिता को मारा, और फिर गिल्ट की वजह से उसने अपने आप को मार दिया। पुलिस इस तरह का झूठ इसलिए फैला रही थी ताकि फ्रेडी का जिक्र ना हो और उसका नाम लोगों की जुबान पर ना आए। अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर से कत्लेआम शुरू हो जाएगा, जिसे यहाँ के लोग चाह कर भी नहीं रोक सकते। लोरी गिब और किया को बताती है। वो अच्छे से सो नहीं पा रही है। उसको अजीब अजीब बुरे बुरे सपने आते हैं, जिसमें वो किसी फ्रेडी नाम के आदमी को देखती है जिसकी स्किन जली हुई है और उसके हाथ में रेजर ब्लेड जैसे बड़े बड़े नाखून है। और इसकी ये बात पास खड़े हुए सभी स्टूडेंट सुन लेते हैं। तभी यहाँ पर मार्क पहुँच जाता है, जो कि फ्रेडी के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, और कहता है कि शुक्र करो तुम अभी तक जिंदा हो। वो सपनों में आता है और लोगों को मार देता है। वो फ्रेडी के नाम का यहाँ पर जोर जोर से ढोल पीटने लगता है, जिससे यहाँ के लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और फ्रेडी यही चाहता था कि लोग उसके नाम से डरे, क्योंकि अगर लोग डरेंगे तो उसको ताकत मिलेगी। तभी यहाँ पर विल आता है और वो मार्क को फ्रेडी का नाम का ढोल बजाने से रोक देता है। विल को देखकर लोरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी के मारे वहीं बेहोश हो जाती है। तभी यहाँ पर प्रिंसिपल पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से मार्क और विल को वहां से भागना पड़ता है। इधर लोरी को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है, जहाँ पर उसके साथ गिब्स और किया दोनों हैं। किया वहाँ पर रखी हुई एक मैगजीन को पढ़ रही थी। तभी उसको एक पोस्ट में फ्रेडी नजर आता है, जो उसकी नाक काट देता है। लेकिन अभी ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि फ्रेडी की ताकत आने में अभी कुछ कसर बाकी थी, क्योंकि वो जो भी कुछ सपने में कर रहा था वो रियलिटी में नहीं हो रहा था। और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि किया की वहाँ पर
आंख लग गई थी। इधर हम देखते हैं विल और मार्क भागकर एक लाइब्रेरी में पहुंच गए हैं। मार्क स्प्रिंगवुड का पुराना डेटा चेक करते हुए बताता है कि फ्रेडी के बारे में यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना उसकी गिरफ्तारी, ना उसकी डेथ रिपोर्ट, ना ही उसका बर्थ सर्टिफिकेट। कहता है कि रिकॉर्ड्स के पूरे सेक्शन गायब हैं। मार्क कहता है 18 जनवरी उसी दिन मेरे भाई ने आत्महत्या की थी, वो खबर यहाँ पर क्यों नहीं है। विल कहता है मुझे नहीं पता। मार्क कहता है उन्होंने हमें कभी फ्रेडी के बारे में नहीं बताया। कहता है कि उन्होंने उसे इसी तरह से हराने का फैसला किया। उन्होंने उन सभी बच्चों को बंद कर दिया जो उसके संपर्क में थे। विल को उसकी बातों पर विश्वास नहीं है। मार्क कहता है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें हमारे किसी भी दोस्त को फोन क्यों नहीं करने दिया गया। हमें वेस्टर्न हिल्स में इसीलिए रखा गया ताकि हम ये बात ना फैला सकें। दरअसल ये सारा वाक्या इस तरह से है, विल और मार्क को वेस्टर्न हिल्स में इसलिए रखा गया क्योंकि वो फ्रेडी के संपर्क में आए थे। उनके साथ साथ यहाँ पर ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्हें इसलिए अलग रखा जा रहा था ताकि वो फ्रेडी के बारे में बात ना करें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये लोग फ्रेडी को जानते थे और उससे डरते भी थे, पर फिर भी फ्रेडी ने इनको क्यों नहीं मारा। दरअसल इसका कारण यह था कि यहाँ पर इनको एक हिप्नोसिल नाम की एक ड्रग दी जाती थी जिससे इनको सपने नहीं आते थे। अगर इनको सपने नहीं आएंगे तो फ्रेडी इन तक नहीं पहुँच सकता था और वो किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता था। अब ये लोग एक वैन में होते हैं। विल कहता है अगर तुम्हारी सारी बातें सच हैं, तो फ्रेडी ने लोरी को क्यों नहीं मारा। मार्क कहता है शायद वो अभी तक उतना ताकतवर नहीं हुआ है कि वो लोगों को नुकसान पहुंचा सके। मार्क कहता है मेरे भाई ने कहा था कि हमारे डर से ही उसको ताकत मिलती है। विल कहता है आज तुमने स्कूल में उसके नाम का ढिंढोरा पीट कर काफी डर फैला दिया है। अब विल को लगता है कि फ्रेडी लोरी को मारने की कोशिश करेगा तो वो उसको बचाने के लिए जाता है। हम देखते हैं लोरी को जो कि जगे रहने के लिए मक्के के खेतों में पार्टी कर रही थी। ये सभी लोग जेसन के डर से अनजान थे, इसीलिए इन्होंने पार्टी करने के लिए ये जगह चुनी। अब विल भी यहाँ लोरी के पास पहुँच जाता है। लोरी उससे पूछती है कि तुम कहाँ चले गए थे विल, और इससे पहले कि वो लोरी को सारी बातें बताता, किया वहाँ आ जाती है और उसे डांस करने के लिए ले जाती है। गिब इस लाउड म्यूजिक से थोड़ा परेशान थी तो वो थोड़ी सी दूर चली जाती है। वहाँ उसे उसका मरा हुआ दोस्त ट्रे दिखता है जो कि कहानी की शुरुआत में अपनी छोटी नूनू से लोरी के साथ खेल रहा था। गिब ट्रे का पीछा करते हुए एक बर्बाद फैक्ट्री में पहुँच जाती है बिना किसी डर के, और उसे यहाँ पर ट्रे की बजाय मिलता है फ्रेडी, और उसको देखकर उसके फट के हाथ में आ जाती है। उसको यहाँ पर फ्रेडी दिखा, इसका मतलब है कि वो खेतों में सो रही थी। इधर खेतों में एक लड़का गिब्स को बेहोश पाकर उसके बड़े बिल में अपनी छोटी चुहियां घुसाने की कोशिश करता है। गिब फ्रेडी से बचने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो बच नहीं सकती जब तक कि कोई उसको जगा ना दे। फ्रेडी उसको मारने ही वाला था कि तभी जेसन खेतों में पहुंच जाता है और वो उस छोटी चुहियां वाले लड़के को मार देता है जिसकी वजह से गिब भी मर जाती है। अगर वो मर गई थी तो उसके सपने भी मर गए थे जिसकी वजह से फ्रेडी उसको नहीं मार पाता और उसे अपना प्लान नष्ट होते दिखाई दे रहा था क्योंकि जेसन उसके किल्स चुरा रहा था और उसको रोकने के लिए फ्रेडी कुछ नहीं कर सकता था। उधर खेतों में हम दो लड़कों को देखते हैं जो कि पी रहे थे गांजा, गांजा। तभी जेसन भी वहां पहुंच जाता है और वो उनसे एक कस मांगता है लेकिन वो उसको देने से मना कर देते हैं। तभी वो एक लड़के की मुंडी घुमाकर मार देता है। दूसरा लड़का अपनी जान बचाने के लिए उसको आग लगा देता है और अब वो लड़का वहां से भागने लगता है। जेसन उसका पीछा करता है और उसको मार देता है। जब पार्टी कर रहे बच्चे उसको देखते हैं तो डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। जेसन वहां पर मौजूद बहुत सारे बच्चों को मार देता है। विल वहां से अपने कुछ दोस्तों को लेकर भाग जाता है। वो उनको उनके घर ड्रॉप करते हुए लोरी के घर पहुंचता है और उसको घर में जाने से मना करता है। कहता है कि उसको पागल खाने में इसलिए रखा गया था क्योंकि उसने लोरी के डैड को उसकी मोम को मारते हुए देख लिया था। लोरी कहती है कि उसकी मोम का कार एक्सीडेंट हुआ था। वो कहता है कि तुम्हारे डैड ने तुमसे झूठ कहा है।
लेकिन तभी उसके डैड यहाँ पर आ जाते हैं और उसको जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। विल उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसका गला दबाने लगते हैं। इसके बाद लोरी दौड़कर अपने घर के अंदर चली जाती है। उसके डैड भी उसके पीछे आते हैं। लोरी अपने डैड से उसकी मोम की डेथ का प्रूफ मांगती है लेकिन उनके पास उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं था। लोरी दौड़कर अपने कमरे में चली जाती है। उसका डैड भी उसके पीछे जाता है और वो खिड़की से कूदकर बाहर विल को मिलती है और ये दोनों मार्क के पास जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम मार्क को देखते हैं जिसकी हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी। वो फ्रेडी के हमले से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था। फ्रेडी उसे लोगों तक उसका एक संदेश पहुंचाने को कहता है लेकिन मार्क मना कर देता है। तभी यहाँ पर लोरी और विल दोनों पहुंच जाते हैं। वो पाते हैं कि कमरा अंदर से लॉक है और देखते हैं कि मार्क सो रहा है। देखते ही देखते उसकी कमर पर आग लग जाती है और फ्रेडी उसको इधर से उधर पटकने लगता है और वो उसको मार देता है और उसकी कमर पर लिख देता है, फ्रेडी वापस आ गया है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उसके नाम का डर फैले और वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाए। इधर हम शेरिफ को देखते हैं जो खेत में हो रही पार्टी के कत्लेआम से परेशान है। उसको लगता है कि ये सारा काम फ्रेडी का है लेकिन उन सारी मौतों का जिम्मेदार केवल जेसन था। तभी यहाँ पर डेप्यूटी स्कॉट आते हैं और वो बताते हैं कि उसने पता लगा लिया है इन सारे कत्लों के पीछे किसका हाथ है और वो कहता है कि मुझे लगता है कोई पुराने जेसन की कॉपी कर रहा है जो कैंप क्रिस्टल लेक का किलर था। शेरिफ गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम अपने काम से काम रखो, अपना मुंह बंद रखो। अब डेप्यूटी स्कॉट एक फैसला करते हैं कि वो खुद इस मामले की जांच पड़ताल करेंगे। दूसरी तरफ हम बिल, लोरी और उसके दोस्तों को देखते हैं जो पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि पार्टी में जिसने कत्लेआम मचाया वो कौन था। तभी यहाँ पर डेप्यूटी स्कॉट आ जाते हैं और बताते हैं कि उसका नाम जेसन है। स्कॉट बताते हैं कि जेसन कैंप क्रिस्टल लेक में डूब कर मर गया था 1957 में जब वो सिर्फ 11 साल का था। कहते हैं काउंसलर ने उस समय उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, फिर उन्होंने उसकी माँ को मार देने की गलती की। और बताता है कि जेसन बार बार अपनी कब्र से लौटता रहा उस कैंप में आने वाले शख्स को सजा देने के लिए और बताता है कि शायद कोई उसकी नकल कर रहा है। बच्चे कहते हैं कि हमने उसका काम देखा है, जिस तरह से वो कत्ल करता है उस तरह से कोई उसकी नकल नहीं कर सकता और कहते हैं कि वो असली जेसन ही है। और अब ये यहाँ पर फ्रेडी का सारा खेल समझ जाते हैं। विल कहता है फ्रेडी ही जेसन को वापस लाया है क्योंकि उसके पास हमें मारने की ताकत नहीं थी, उसने जेसन का इस्तेमाल किया। वो जानता था कि लोग सोचेंगे कि ये काम फ्रेडी का है, फ्रेडी ने जेसन का काम कर दिया है तो वो उसको रोक नहीं पा रहा है। ये सभी आपस में बहस करने लगते हैं कि हमें पहले आग से मरे फ्रेडी के पीछे जाना चाहिए या फिर पानी में डूब के मरे जेसन के पीछे। और इसी बहस के बीच लोरी गहरी नींद में सो जाती है जहाँ पर उसे अपने डैड मिलते हैं। वो कहते हैं कि डरो नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो अब डैड को एक किस करो। वो जबरदस्ती उसको किस करने लगते हैं। तभी फ्रेडी अपने असली रूप में आ जाता है। वो चिल्लाते हुए फ्रेडी का कान पकड़ लेती है। तभी विल उसको जगा देता है और वो देखती है कि उसके हाथ में फ्रेडी का कान है। वो उसे अपने सपनों से हकीकत में ले आई थी। यहाँ पर इनको समझ में आता है कि इनको अपनी नींद से नहीं बल्कि अपने सपनों से खतरा है। विल कहता है कि उस पागल खाने में मुझको सपने नहीं आते थे। लोरी पूछती है क्या तुमको कोई दवाई दी जाती थी। वो बताता है हाँ, हमें कोई हिप्नोसिल नाम की दवाई दी जाती थी। वो सभी उस दवाई को लेने के लिए वेस्टर्न हिल्स में जाते हैं, यानी कि उस पागल खाने में जाते हैं। गार्ड्स को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई घुस आया है। वो चेक करने के लिए जाता है और मारा जाता है। उसको जिसने मारा था वो था जेसन। दूसरी तरफ हम फ्रीबर्ग को देखते हैं जो कि उन सभी से अलग हो गया था और वो कंट्रोल रूम में बैठकर फूंक रहा था गांजा, गांजा। तभी वहाँ पर फ्रेडी आता है एक अजीब से कीड़े के भेष में। वो अपने साथ हुक्का पार्टी भी लाया है। वो एक कस लगाता है और उस धुएं को उसके मुंह पर छोड़ देता है। फ्रीबर्ग को उसका माल बहुत कड़क लगा और वो उसका पीछा करने लगता है। तभी फ्रेडी उसके अंदर घुस जाता है ताकि उसके ऊपर काबू पा सके। वो सारी हिप्नोसिल की गोलियों को नाली में बहाने लगता है। डेप्यूटी स्कॉट और चार्ली उसको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो एक भी गोली को उनके लिए नहीं
छोड़ता। तभी यहाँ पर जेसन आ जाता है। वो डेप्यूटी स्कॉट पर हमला कर देता है। चार्ली वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन डेप्यूटी स्कॉट उसके हमले से नहीं बच पाते और मारे जाते हैं। ये सभी वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन फ्रीबर्ग वहीं पर पत्थर बनकर खड़ा रहता है। हम देखते हैं कि उसके हाथ में दो बेहोश करने वाले इंजेक्शन हैं, और अब जैसे ही जेसन उसके पास आता है, वो दोनों इंजेक्शन उसकी गर्दन में लगा देता है। लेकिन बेहोश होने से पहले जेसन उसके शरीर के दो टुकड़े करने में कामयाब रहता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। जेसन के बेहोश होने का मतलब है कि अब वो फ्रेडी की दुनिया में जा चुका है, जहाँ फ्रेडी का प्लान था कि वो जेसन को यहाँ हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देगा। लेकिन उसको जेसन की ताकत का कोई अंदाजा नहीं था। इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। जेसन फ्रेडी के दोनों हाथ काट देता है। अब ये दुनिया फ्रेडी की थी, तो फ्रेडी के हाथ फिर से वापस आ जाते हैं। फ्रेडी जेसन को इतना मारता है जितना लुहार लोहे को नहीं पीटता होगा। फ्रेडी जेसन से पूछता है, तुम मरते क्यों नहीं? जेसन फ्रेडी को ऐसे उठाकर फेंकता है जैसे रोनाल्डो फुटबॉल को किक करते हैं, जिसके कारण वहां पर लगी पाइपलाइन लीक हो जाती है और पानी बहने लगता है। यहां पर फ्रेडी को जेसन की कमजोरी पता चलती है। जेसन पानी से डरता था क्योंकि उसकी मौत पानी में डूबकर हो गई थी, और फ्रेडी उसके डर का पूरा फायदा उठाता है। दूसरी तरफ ये लोग जेसन को लेकर कैंप क्रिस्टल लेक जा रहे थे और उसको लगातार बेहोशी के इंजेक्शन भी दे रहे थे ताकि वो फ्रेडी को बिना मारे वापस ना आए, और जब वो होश में आएगा तो वो खुद को कैंप क्रिस्टल लेक में पाएगा और इन सब का पीछा छोड़ देगा। इधर जेसन के फ्रेडी से जीतने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। जेसन उसके सामने बच्चों की तरह रो रहा था और फ्रेडी उसको बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर रहा था। अब इन लोगों के पास बेहोश करने वाले इंजेक्शन खत्म हो गए थे। अब ये लोग दूसरा प्लान शुरू करते हैं, जो कि था फ्रेडी को रियल वर्ल्ड में लाना। लोरी एक सोचे समझे प्लान के अनुसार सो जाती है और वो पहुंच जाती है कैंप क्रिस्टल लेक पर, जहां पर वो देखती है कि बहुत सारे बच्चे जेसन को परेशान कर रहे हैं। ये दुनिया लोरी की असल दुनिया नहीं थी, तो वो जेसन की कोई मदद नहीं कर सकती थी। वो मदद मांगने के लिए काउंसलर्स के पास जाती है, लेकिन वो भी अपनी मस्ती में मस्त थे। वो बच्चे मिलकर जेसन को पानी में धकेल देते हैं। लोरी जेसन को बचाने की कोशिश करती है, तभी यहाँ पर फ्रेडी आ जाता है और वो जेसन को डुबाने लगता है। इस समय फ्रेडी जिस जेसन को डुबाने की कोशिश कर रहा है, वो असली जेसन है। इसका मतलब है कि जेसन असली दुनिया में भी डूब रहा है। डूबने की वजह से जेसन अचानक जाग जाता है। उसके अचानक जाग जाने के कारण वैन क्रैश हो जाती है और जेसन उससे बाहर गिर जाता है। अब फ्रेडी के हाथ से जेसन निकल चुका है। उसको वहाँ पर लोरी दिखाई देती है और वो लोरी के पीछे पड़ जाता है। लोरी चिल्लाकर कहती है कि मैंने जेसन को पकड़ लिया है, अब मुझे उठा दो। वो लोरी को उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन लोरी नहीं उठती। अब ये लोग कैंप क्रिस्टल लेक पहुंच चुके हैं और लोरी को उठाकर एक कैबिन के अंदर जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि जेसन भी यहाँ पर पहुंच चुका है। उधर हम लोरी के सपनों में देखते हैं कि फ्रेडी लोरी को लेकर उसके घर जाता है और उसे दिखाता है कि उसकी मोम को उसके डैड ने नहीं बल्कि उसी ने मारा था। लोरी उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं। अब लोरी वहां से भागने लगती है। फ्रेडी उसको पकड़ लेता है और उसके बड़े बड़े संतरों पर कट्स मारने लगता है। लोरी के संतरों पर पड़े इतने बड़े बड़े कट्स को देखकर विल परेशान हो जाता है और चिल्ला चिल्ला कर उसको उठाने की कोशिश करता है। ये शोर शराबा सुनकर जेसन कैबिन में पहुंच जाता है। उसका पैर एक ऑयल कैन पर पड़ता है, जिसकी वजह से वहां पर आग लग जाती है। विल लोरी को बचाने की कोशिश करता है और इस कोशिश में उसको भी चोट लग जाती है। इधर दूसरी तरफ हम फ्रेडी को देखते हैं, जो कि लोरी से कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो, और कहता है कि मेरी तरफ देख जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं। हुसन तुम रखती हो, जवानी हम भी रखते हैं, गहराई तुम रखती हो, लंबाई हम भी रखते हैं। और तभी वो जाग जाती है और अपने साथ फ्रेडी को भी ले आती है। और जब फ्रेडी को इस बात का एहसास होता है, तो उसे पता चलता है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि वो अब जेसन की दुनिया में था। और अब जेसन फ्रेडी को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। विल और लोरी वहां से निकल रहे थे कि तभी फ्रेडी उनको रोक देता है। तभी वहां पर किया भी पहुंच जाती है और वो फ्रेडी को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। कहती है कि तूफानों में छतरी नहीं खोली जाती, शर्ट से पहले पैंट नहीं खोली जाती।
वाइग्रा खाना शुरू कर दे मेरे दोस्त, खाली उंगली और जुबान से लड़की नहीं खुश की जाती। तभी जेसन वहां आ जाता है और उसको मार देता है। शायद उसको ये जोक पसंद नहीं आया। इन दोनों में फिर से फाइट शुरू हो जाती है। जेसन उसके शरीर पर बहुत सारे सरिये घुसा देता है, लेकिन वो उन सरियों से भी नहीं मरता। वो उनको मोड़ कर वहां से निकल आता है। लड़ते लड़ते ये दोनों लेक के डेक पर पहुंच जाते हैं। जेसन उसको मारने ही वाला था कि तभी फ्रेडी उसकी उंगलियां उड़ा देता है और उसी की तलवार से उसको मारने लगता है। उसे नीचे गिराकर अपने नुकीले पंजे उसकी आंख में घुसा देता है, लेकिन जेसन फिर भी हार नहीं मानता। तभी लोरी और विल डेक पर आग लगा देते हैं। जेसन फ्रेडी का एक हाथ उखाड़ देता है और फ्रेडी उसकी तलवार उसी के सीने में घुसा देता है। तभी वहां पर रखा गैस टैंक ब्लास्ट हो जाता है और ये दोनों हवा में उड़कर पानी में गिर जाते हैं। विल और लोरी भी पानी में कूदकर अपनी जान बचाते हैं। वो दोनों पानी से बाहर निकलते हैं और उनको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी तलवार हाथ में लिए फ्रेडी उनके पास पहुंच जाता है और उनको मारने ही वाला था कि तभी जेसन पीछे से उसका नुकीला पंजा उसी के छाती के आर पार कर देता है। जेसन लेक में गिर जाता है। फ्रेडी दर्द से तड़प रहा था कि तभी लोरी वो तलवार उठाती है और फ्रेडी का सर धड़ से अलग कर देती है। फ्रेडी लेक में गिर जाता है और ये दोनों सुकून से खड़े होकर चैन की सांस लेते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि जेसन पानी से बाहर निकलता है, जैसे कि उसने ये जंग जीत ली है, और जीत के तौर पर उसके पास होता है फ्रेडी का सर, जो कि अभी भी जिंदा था। वो स्माइल पास करता है और आंख मारता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।